वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं आपके सामने अमेज़न में रिलीज हुई जोजी मूवी का एक्सप्लेनेशन लेकर आया हूँ। उसी तरह एक फुल ऑफ क्राइम ड्रामा मूवी है। तो चलिए फटाफट से मैं आपको इन शॉर्ट इस मूवी की कहानी सुना देता हूँ। मूवी की शुरुआत में डायरेक्टर भाई साहब हमको ये बताते हैं कि ये कहानी शेक्सपियर की मैकबेथ से इंस्पायर होकर ली गई है। ये कहानी एक फैमिली की है और इस फैमिली का ओनर होता है कुट्टप्पन। कुट्टप्पन के तीन बेटे होते हैं। बड़े बेटे का नाम होता है जोमन, जो इसकी ऑलरेडी शादी होके डिवोर्स भी हो चुका है, और उसका एक बेटा होता है जिसका नाम है पप्पी शप्पी। दूसरे बेटे का नाम है जेसन, जो रिसेंटली इसकी शादी हुई है, और इसकी वाइफ का नाम है बिंसी। तीसरे बेटे का नाम है जोजी, फिलहाल इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा होता है। मूवी की शुरुआत में ही पप्पी बालकनी में खड़े रहकर किसी का वेट करते रहता है, तभी वहाँ पर एक डिलीवरी बॉय आता है। पप्पी फौरन उस डिलीवरी बॉय के पास जाकर अपना पार्सल हासिल कर लेता है और कहीं दूर जाकर उस पार्सल को ओपन करता है तो उस बॉक्स में एक एयर टॉय गन होती है। उस गन के साथ ऑफकोर्स बुलेट्स भी आते हैं, तो पप्पी उस गन में बुलेट्स रखकर कुछ पेड़ों को फायर करने लगता है, मतलब पप्पी इस गन को टेस्ट करता है। तभी वहाँ पर जोजी आता है और उसके हाथ से वो गन छीन के उसे डांटने लगता है, हर हमेशा खेलते रहते हो, पढ़ाई नहीं करते, जाओ घर में जाके पढ़ाई करो। बेचारा पप्पी वहाँ से चला जाता है। उसके बाद जोजी अपने फादर कुट्टप्पन के पास आकर 2000 रुपए मांगने लगता है, क्योंकि इसको गाड़ी में डीजल भरवाना होता है। कुट्टप्पन जोजी से कहने लगता है, टेबल पर मेरी पर्स पड़ी है, उस पर्स में 7500 रुपए है, उसमें से तुम 2000 रुपए निकाल लो। जोजी उसी तरह से उस पर्स में से 2000 रुपए निकाल लेता है। जोजी बाहर आकर एक बंदे को बुलाकर जो इसके घर में काम करता है, उसे गाड़ी की चाबी और 2000 रुपए पैसे देकर कहने लगता है कि तुम गाड़ी में 1700 का डीजल भरवाओ, उसके बाद 2 सिगरेट पैक लेना और बचे कुछ पैसे तुम रख लो। इस तरफ घर में जेसन हड़बड़ाए में अपनी पत्नी बिंसी के पास आकर कहने लगता है, अगर मेरे फादर ने मेरे बारे में पूछा तो तुम उनसे कहना कि मैं जल्दी ही शॉप को चला गया। उसके बाद जोजी टिफिन वगैरह करने के बाद अपने रूम में आकर ऑनलाइन क्लासेस को ऑन करता है और अपने बिस्तर पे आके लेट के उन ऑनलाइन क्लासेस को सुनने लगता है। इसी तरह देखते ही देखते जोजी सो जाता है। थोड़ी देर बाद जोजी का फादर जोजी के पास आकर उसे डरा धमका कर ये पूछने लगता है, क्या तुमने मेरे अकाउंट का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन किया, मेरे अकाउंट से 8000 रुपए गायब है। जोजी घबराते हुए अपने फादर से कहने लगता है, नहीं मैंने नहीं निकाला। कुट्टप्पन जाने के बाद जोजी फौरन अपने कमरे का दरवाजा बंद करके अपना गुस्सा जाहिर करने लगता है। उसी दिन कुट्टप्पन अपने बागीचे के कुएं में कुछ काम करवा रहा होता है। वो लोग उस पाइप को खींच नहीं रहे होते, जिसकी वजह से कुट्टप्पन खुद उस कुएं में जाता है, उस पाइप को खींचने लगता है। फाइनली वो पाइप बाहर आ जाता है, लेकिन कुट्टप्पन को स्ट्रोक आता है जिसकी वजह से कुट्टप्पन बेहोश हो जाता है। कुट्टप्पन के बेटे फौरन कुट्टप्पन को हॉस्पिटल ले जाते हैं। थोड़ी देर बाद इनका फैमिली डॉक्टर, जिसका नाम होता है डॉक्टर फिलिक्स, वो जोमन और जेसन के पास आकर कहने लगता है, डॉक्टर्स का कहना है कि तुम्हारे फादर कुछ दिन में ठीक हो जाएंगे, लेकिन मुझे लगता है तुम्हारे फादर ठीक हालत में नहीं है। यह सुनने के बाद जोमन फिलिक्स से पूछने लगता है, अगर दूसरे हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट किया जाए क्या कोई सुधार आ सकता है? डॉक्टर फिलिक्स कहने लगता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हर जगह एक ही इलाज होता है ना। उसके बाद जेसन डॉक्टर फिलिक्स से पूछने लगता है, क्या मेरे फादर चेक्स में साइन कर पाएंगे? उनके साइन के बगैर मैं बिजनेस नहीं चला सकता। फिलिक्स बताने लगता है, अगर तुम्हारे फादर को होश भी आ गया तो तुम्हारे फादर पैरालाइज हो चुके हैं, मुझे नहीं लगता कि वो साइन कर पाएंगे। ये सुनने के बाद जोमन डॉक्टर फिलिक्स से पूछने लगता है, तो फिर क्या हम उनके अंगूठे के निशान ले सकते हैं? फिलिक्स कहने लगता है, अगर तुम लोगों ने ऐसा किया तो जेल जाओगे। दूसरे दिन डॉक्टर्स कुट्टप्पन को डिस्चार्ज कर देते हैं। वो अपने घर आ जाता है। घर में आने के बाद डॉक्टर फिलिक्स बिंसी को दवाइयों के बारे में बताकर वहाँ से चला जाता है, मतलब कब कौन सी टैबलेट खिलाना है। अपने फादर की ये हालत देखकर बेचारा जोमन बहुत अफसोस करने लगता है। उसके बाद जोमन जेसन को बुलाकर बताने लगता है कि आज से हम रोज शाम 8 बजे प्रेयर करेंगे। जेसन तुम फौरन अपनी शॉप बंद करके घर आ जाओ। दूसरे दिन जोमन चर्च के फादर को अपने घर लाता है। ये सारे लोग प्रेयर करना स्टार्ट करते हैं और इसी दरमियान में जोमन ये ऑब्जर्व करता है कुट्टप्पन को ब्रीथिंग प्रॉब्लम हो रही है। जोमन फौरन अपने फादर को हॉस्पिटल ले जाता है। उसके बाद डॉक्टर फिलिक्स जोमन और जेसन के पास आकर बताने लगता है कि तुम्हारे फादर को सर्जरी की जरूरत है, जिसके लिए तकरीबन 10 या 15 लाख की जरूरत पड़ेगी। जोमन कहने लगता है, डॉक्टर आप पैसों की फिक्र मत कीजिए, बस आप ऑपरेशन की तैयारी कर लीजिए। ऑपरेशन होने के बाद कुट्टप्पन को फिर से घर लाया जाता है, लेकिन कुट्टप्पन फुल्ली रिकवर नहीं होता, मतलब वो व्हीलचेयर के हवाले हो जाता है। घर में आने के बाद जेसन कुछ चेक्स को लेकर अपने फादर के पास जाता है और अपने फादर से कहने लगता है, पापा अगर आप मुझे ऑथराइज कर दोगे मैं हमारा बिजनेस अच्छी तरह से संभाल लूंगा। ये सुनने के बाद कुट्टप्पन जेसन को कुछ अजीब तरह से देखने लगता है और अपने पैरालाइज हाथ से ही साइन करने लगता है। खैर साइन करने के बाद जेसन कुट्टप्पन से कहने लगता है, पापा अगर आप हम लोगों को प्रॉपर्टी बांटना चाहते हो
तो अभी के अभी बांट दो। कुट्टप्पन जेसन से कहने लगता है, मेरे बेटे मेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं और ये काम अभी नहीं होगा, तुम यहाँ से जाओ। जेसन नीचे आने के बाद बिंसी जेसन से पूछने लगती है कि क्या हुआ। जेसन अपनी पत्नी को बताने लगता है कि मेरे फादर जिंदा रहने तक हमको फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी। और ये बात जोजी को पता चलती है। जोजी अपने फादर के पास जाकर कहने लगता है, पापा मरने के बाद पैसे हमारे साथ नहीं ले जा सकते, अगर आप हम लोगों को प्रॉपर्टी बांट देंगे तो हम हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार लेंगे। यह सुनने के बाद कुट्टप्पन को बहुत गुस्सा आता है और अपने लेफ्ट हैंड से जोजी का गला पकड़कर दूर ढकेल देता है। जोजी अपने खेत के कुएं के पास आकर अफसोस करने लगता है। उसके बाद जोजी मेडिकल स्टोर जाकर कुछ दवाइयों को खरीद के लाता है और कुट्टप्पन के दवाइयों से मिक्स कर देता है। इस तरह से हर रोज जोजी गलत दवाइयां कुट्टप्पन को देने लगता है और एक दिन ये चीज इसकी भाभी बिंसी भी देख लेती है, लेकिन इसे कुछ भी नहीं कहती। और फाइनली एक दिन कुट्टप्पन की मौत हो जाती है। कुट्टप्पन का अंतिम संस्कार होने के बाद एक दिन डॉक्टर फिलिक्स जोजी के घर आता है प्रॉपर्टी के बारे में बात करने के लिए, लेकिन जोमन उन सारे लोगों को बताने लगता है कि हम इस बारे में बाद में बात करेंगे। और वैसे भी बाहर के लोगों का कहना यह है कि हमारे फादर को हम नहीं मार दिया। दूसरे दिन जोजी की फैमिली कुछ लोगों को बुलाकर खाना खिलाने लगती है और इसी दरमियान में जोमन बहुत शराब पीकर अनाप शनाप बकने लगता है और ये बात जोजी को पसंद नहीं आती। जोजी जोमन को घसीटते हुए किसी कमरे में लाता है। कमरे में आने के बाद जोजी और जोमन के बीच तूतू मैमे होने लगती है। उसी दिन रात जोजी उस कुएं के पास जाकर सारे टैबलेट्स को पाउडर बनाकर उस कुएं में फेंक देता है और उसी तरह कुछ पेपर्स वगैरह होते हैं उन पेपर्स को भी वो जला देता है ताकि किसी को शक ना हो। दूसरे दिन जोमन जोजी के पास आकर कहने लगता है कि तुम्हारा फ्रेंड सुधी गांव में कुछ अलग ही बात फैला रहा है। वो कह रहा है कि जिस दिन हमारे फादर की मौत हुई थी उस वक्त बिंसी ने चीखते हुए चिल्लाते हुए घर वालों को बुलाया था, लेकिन तुम धीरे से फादर के पास आए। ये सुनने के बाद जोजी अपने भाई से कहने लगता है, क्या दुनिया में ऐसे लोग भी रहते हैं? वो मुझ पर ब्लेम कर रहा है। और इसी के बारे में पूछने के लिए जोमन जोजी को लेकर सुधी के पास जाता है। यहाँ आने के बाद जोजी सुधी पर गुस्सा होने लगता है और उसे पूछने लगता है, ये तुम क्या नई बात गांव में फैला रहे हो? जब मेरे फादर की मौत हुई थी क्या मैं स्लो मोशन में जा रहा था? सुधी कहने लगता है, मैंने ऐसा नहीं कहा। जब तुम्हारे फादर की मौत हुई थी उस वक्त तुम बिना मच्छी के कुएं में मच्छियां पकड़ रहे थे। यह सुनने के बाद जोजी सुधी पर गुस्सा होकर उसे वहाँ से भेज देता है। सुधी जाने के बाद जोमन जोजी से पूछने लगता है कि उस कुएं में मछलियाँ नहीं है, इसके बावजूद भी तुमने वहाँ पर मछलियाँ पकड़ने गए? जब मैंने तुमको पहली बार पूछा कि तुम उस कुएं के पास गए हो या नहीं, तुमने ना का जवाब दिया, क्यों तुमने मुझसे झूठ कहा? ऐसा कहते हुए जोमन जोजी का गला पकड़ लेता है। यहाँ आने से पहले जोजी अपने साथ उस एयर गन को लाता है और जोजी उस एयर गन को लेकर जोमन के गले के पास फायर कर देता है। जब जोमन तड़प रहा होता है जोजी उसे फिर से फायर करने लगता है और वहीं पर एक लोकल बॉम्ब होता है। जोजी उस बॉम्ब को लेकर जोमन के ऊपर फेंक देता है जिसकी वजह से जोमन की मौत हो जाती है। दूसरे दिन जोजी जेसन के पास आकर कहने लगता है कि सुधी ने ही जोमन को मारा। उसके दूसरे दिन जेसन जोजी के पास आकर कहने लगता है कि सुधी ने अपने आप को पुलिस के हवाले कर दिया और उसका कहना यह है कि तुमने ही जोमन को मारा। जोजी जेसन से कहने लगता है, क्या तुम इस बात पर यकीन करते हो मैंने मेरे भाई को मारा? जेसन कहने लगता है, नहीं, मैं तो बस उसका स्टेटमेंट सुना रहा था तुमको। और जेसन जाते जाते जोजी को 3 लाख रुपए मांगता है क्योंकि इसको इसकी बिजनेस में कुछ जरूरत पड़ती है। तो जोजी उसी तरह से वो 3 लाख रुपए जेसन को ट्रांसफर कर देता है। उसी दिन रात डॉक्टर फिलिक्स जेसन को कॉल करके ये बताता है कि एक प्रॉब्लम आ चुकी है, मुझे अभी अभी एक इन्फॉर्मेशन आई है कि जोमन के बॉडी में एयरगन की बुलेट पाई गई है, इसीलिए कल पुलिस तुम्हारे घर आने वाली है, तुम फिक्र मत करो मैं भी तुम्हारे घर आऊंगा। दूसरे दिन जेसन जोजी को बुलाकर ये सवाल पूछने लगता है, क्या तुमने भाई को मारा? तो पहले तो जोजी इनकार कर देता है, लेकिन बाद में जोजी कबूल कर लेता है कि इसने ही जोमन को और कुट्टप्पन को मारा। और इसी तरह जोजी अपने भाई से कहने लगता है, अगर पुलिस यहाँ पर आई तो मैं पुलिस को ये बताऊंगा कि हम सारे लोग मिलके ये कांड किया, और इसी तरह कल तुमने मेरे पास 3 लाख रुपए पैसे मांगे थे, वो भी मैं तुम्हारे खिलाफ बताऊंगा कि तुमने अपना बयान ना देने के लिए मेरे से पैसे लिए, इसलिए मेरी बात मानो, आप लोग मेरे साथ रहो। लेकिन जेसन जोजी की बात को मना कर देता है। यह सुनने के बाद जोजी परेशान होकर अपने रूम में जाकर एक सुसाइड नोट लिख के सारे फैमिली मेंबर्स को सेंड कर देता है कि मेरी मौत का कारण यह सोसाइटी है, पहले इस सोसाइटी को अरेस्ट कर लो। उसके बाद जोजी उसी एयरगन से अपने आप को गोली मार लेता है, लेकिन एक्चुअली जोजी मरा नहीं होता, वो हॉस्पिटल में पैरालाइज हो चुका होता है। डॉक्टर फिलिक्स जोजी से पूछने लगता है, जोजी अगर तुम हमें देख रहे हो तो एक बार अपनी आँखें ब्लिंक करो,
तो जोजी उसी तरह से अपनी आंखें ब्लिंक करता है। तो ऑफ कोर्स वहीं पर पुलिस ऑफिसर होता है। वो पुलिस ऑफिसर जोजी से पूछने लगता है, जोजी क्या तुम अपना जुर्म कबूल करते हो? अगर तुम्हारा जवाब हाँ है तो तुम अपनी आंखें ब्लिंक करो। ये सुनने के बाद जोजी जानबूझ के अपनी आंखें ब्लिंक नहीं करता, वो अपनी आंखें और खोलने लगता है और इस तरह से ये मूवी यहाँ पर दी एंड होती है। मतलब फाइनली डायरेक्टर ने ये नहीं समझाया क्या सच में जोजी पैरालाइज हो चुका है या ये नाटक कर रहा है। खैर मूवी कैसी लगी कमेंट करके बताना जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।